नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए जो नेक डिजाइन लेकर के आया हूं, तो ये नेक डिजाइन हमारा कुछ ऐसा है कि बड़े बड़े जो ब्रांड होते हैं वो भी इस तरीके की नेक डिजाइन ढूंढते रहते हैं, कहीं पे हमें मिल जाए, किसी साइट पे मिल जाए या यूट्यूब पे मिल जाए। तो बहुत ही यूनिक सा और बहुत ही प्यारा सा हम नेक डिजाइन लेकर के आए हैं। यहाँ पे हमने फ्रंट बना लिया है और इस तरीके का एक फैब्रिक लिया हुआ है। कोई भी आप जो भी मैचिंग करना चाहते हो, जैसे बॉटम से मैचिंग करना चाहते हो वो भी यूज कर सकते हो, अदर कोई भी फैब्रिक यहाँ पे यूज कर सकते हो इस नेकलाइन में। और यहाँ पे हमें गला कटिंग करने के लिए बुकरम लेनी है इस तरीके से। तो बुकरम जो है हमारे पास इस तरीके से, यहाँ पे इसको डबल कर लेना है और पेस्टिंग वाली बुकरम यूज करनी है, क्योंकि अच्छे फैब्रिक में और अच्छी नेकलाइन के लिए पेस्टिंग वाली बुकरम होनी चाहिए। ब्रॉड लेंथ रखेंगे जैसे रेडीमेड में होती है 7.5 इंच, 7 से 7.5 इंच होती है। और यहाँ पे हम पहला निशान लगाएंगे 4.25 इंच। सबसे पहले आपने यहाँ पे सिंपल सी एक शेप डाल देनी है, बोट नेक शेप की जिसको बोलते हैं। इसके बाद हमें ऊपर से यहाँ पे निशान लगाना है, इस तरीके से निशान लगाएंगे 7 इंच पे। 7 इंच का हमारा यहाँ पे डिजाइन बहुत प्यारा लगेगा। और इस साइड में हम 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से हमें जो शेप डालनी है, इस तरीके की शेप डालते हुए हम यहाँ पे जैसे पत्ती टाइप होता है वैसा हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। ये निशान लगाने के बाद हम बाहर की साइड यहाँ पे एक निशान और लगाएंगे, ये हम 1/1 इंच का लगाएंगे। इस तरीके से 1/1 इंच का यहाँ पे निशान कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे इस तरीके से नेकलाइन जो है कटिंग कर ली है। इसके बाद हमें यहाँ पे एक कट लगाना है इस प्रकार से, हल्की सी गोलाई देते हुए ये हमने कट लगा लिया है। तो ये हमारी यहाँ पे पत्ती आ जाएगी इस तरीके से रेडी। अब इस पत्ती में भी यहाँ पे आपको डिजाइन बनाना है सेम इसी तरीके से। यहाँ पे हल्का सा इस प्रकार का बराबर गैप लेते हुए यहाँ पे ये निशान लगाएंगे। कहने का मतलब है पत्ती में से हमें पत्ती निकालनी है और इस पत्ती में भी यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए एक पत्ती हमारी ये आ जाएगी, एक इसके अंदर आ जाएगी ये वाली पत्ती ऐसे। अब हमें इन्हें पेस्ट करना है कपड़े के ऊपर। देखिए ये तो हम यहाँ पे इस फैब्रिक के ऊपर चिपकाएंगे। इसके बाद ये वाली जो पत्ती होगी हमारी, यहाँ पे हम जो सेम कपड़ा है इसके ऊपर चिपकाएंगे। और इसके बाद साइड से जो छोटे वाली पत्ती है ये हम इस वाले फैब्रिक के ऊपर चिपका लेंगे। तो तीनों चीज, जो ये वाली पत्ती है ये और ये गला, सभी को हम पेस्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे नेकलाइन जो है पेस्ट कर ली है और बाहर वाला जो कपड़ा होता है हमने इस तरीके से फोल्ड करते हुए सेट कर लिया है। जो हमारे पास छोटी पत्ती है इसका भी हमने यहाँ पे कपड़ा फोल्ड करते हुए सेट कर लिया है अच्छे से। ये हमारी यहाँ पे इस तरीके से आएगी। और साथ ही हमने दो डोरी बनाई है यहाँ पे, और डोरियों में इस तरीके की ये बाहर की साइड लटकन लगा ली है। तो अब सबसे पहले हमें इस नेक लाइन को रेडी करना है फ्रंट में।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे सिंपल नेक जो है इस तरीके से बाहर की साइड में पलटते हुए रेडी किया है। इसके बाद हमारे पास जहाँ ये वाला पीस होगा, इसको हम ऊपर ऊपर की साइड से रेडी करेंगे। यहाँ पे इस तरीके से रखना है और बुकरम के साथ साथ में सिलाई लगानी है। तो ये देखिए, हमने दोनों साइड से इस तरीके से रेडी कर ली है। अब बीच वाली जो पत्ती होगी हमारी, यहाँ पे ये रखेंगे सेंटर पॉइंट में और इसको भी हम अटैच कर देंगे। इसके बाद अब हम यहाँ पे नेक लाइन को इस तरीके से सेट करेंगे नीचे रखते हुए ऐसे, और जितना मार्जिन हमने कटिंग किया था उतना मार्जिन यहाँ पे दिखाते हुए इसको हम पक्का कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे नेक लाइन कर लिया है रेडी, और यहाँ पे दो डोरी लगाई हैं। डोरियों में भी हमने यहाँ पे कपड़े के ही इस तरीके से छोटे छोटे लटकन से बना के लगा दिए हैं। पूरी नेक लाइन आप देख रहे होंगे जैसे रेडीमेड लुक होती है, उस तरीके की हमने यहाँ पे डिजाइनिंग करके आपको दिखाई है, और ये बहुत ही जल्दी नेक लाइन बन जाती है। डिजाइन भी हमारा बहुत प्यारा बन जाता है और टाइम भी हमारा बहुत ही ज़्यादा कम लगता है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरीके से बहुत ही प्यारी सी डिजाइनिंग बना सकते हो रेडीमेड स्टाइल वाली, जैसे मैंने आज आपको ये आइडिया दिया है। तो प्लेन कुर्ती हो या प्रिंटेड कुर्ती हो, बहुत ही सुंदर डिजाइन है, आप भी एक बार जरूर ट्राई करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।